हेलो एंड वेलकम टू दीपिका महारानी चैनल। मैं आई हूँ पौंडीचेरी क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। ये है मेरा पहला ब्लॉग, आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगा। सो मैं हूँ बेंगलोर से और हम निकल रहे हैं हमारे एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए। पहुँच गए हैं बेंगलोर के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन और ये है हमारी ट्रेन। सुबह के 7 बजे हैं और ट्रेन एकदम टाइम पर है। सो वेलकम टू पुडुचेरी द फ्रेंच कैपिटल ऑफ इंडिया। पहुंच गए हैं हमारे होटल में और जल्दी से रेडी होंगे। ये है प्योर वेज सुरुगुरु रेस्टोरेंट, पौंडीचेरी में बहुत ही फेमस है। चलिए खाते हैं इसका खाना। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। सो हमने मंगाई है सुरुगुरु स्पेशल थाली। इसमें है ड्रम स्टिक्स, टोमेटो सूप, पोंगल, केसी भात, सांभर, रसम, राइस, दाल, चटनी और दूसरी है ये पंजाबी वेज थाली। इसमें है रोटी, सब्जी, दाल, मखनी, रायता और भी बहुत कुछ है। सो लेट्स ईट इट। निकल गए हैं हम रेस्टोरेंट से बाहर। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है श्री अरबिंदो आश्रम। ये है मेरी प्यारी सी एंजल अंगना और उसके पापा। अंगना को दिलाया है उसके दादाजी ने ये खूबसूरत सा बैलून, जिसे लेकर ये बहुत ही खुश हो गई थी। श्री अरबिंदो आश्रम एरिया में श्री अरबिंदो ने इसकी स्थापना की थी और इनकी समाधि भी यहाँ है, इसलिए इसे श्री अरबिंदो आश्रम के नाम से ही जाना जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ टूरिस्ट मेडिटेशन और पीसफुल एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं। आश्रम के अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, सो अंदर का व्यू आई कैन नॉट शो यू। आश्रम से ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है अरुलमिगु मनाकुला विन्याकर मंदिर। मंदिर के बाहर है एक ये हाथी जिसका नाम है लक्ष्मी और इसकी उम्र है 310 साल। हाथी की सूंड में आप कुछ भी फ्रूट या चढ़ावा रखेंगे तो वो आपको ब्लेसिंग्स देगी। मुझे भी ये करना था, डर तो बहुत लग रहा था लेकिन मज़ा भी बहुत आया। सो चलते हैं मंदिर के अंदर। ऐसा माना जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ गणेश मूर्ति के आसपास बालू ही बालू था, इसलिए लोग इन्हें मनाकुला विन्याकर कहकर भी पुकारने लगे। इस मंदिर के बारे में लोगों की एक ये भी मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ स्थित भगवान गणेश जी की मूर्ति को कई बार समुद्र में फेंका गया, लेकिन मूर्ति उस स्थान पर अपने आप फिर से स्थापित हो जाती थी। बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य मंदिर है। यहाँ विराजित है ये गणपति जी की अद्भुत अनोखी मूर्ति। ऐसी मान्यता है कि यहाँ गणपति जी की मूर्ति के दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के चारों तरफ के चित्र गणेश जी की जुड़ी कथाएं बताते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के 16 स्वरूप हैं और 16 के 16 स्वरूप गणेश जी के इस मंदिर में विराजमान हैं। सो लेट्स गो आउटसाइड। मंदिर से निकलकर अब हम जा रहे हैं रॉक बीच की तरफ। शाम के 6 बजे का टाइम है और सनसेट होने वाला है। रॉक बीच पौंडीचेरी का सबसे मेन बीच है क्योंकि सिटी के एकदम सेंटर में है। रॉक बीच को पौंडी बीच और प्रोमिनेंट बीच भी बोलते हैं। इस बीच के साथ में ही एक ये गॉबर्ट एवेन्यू वॉकिंग स्ट्रीट प्लाजा है और इस वॉकिंग प्लाजा पर ही ये गांधी मेमोरियल और फ्रेंच वार मेमोरियल है। कुछ गांधी सेरेमनी सेलिब्रेशन चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत सी शाम है। बैंड बाजों के साथ समुद्र की ये ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। आज का दिन हुआ ख़त्म, मिलते हैं कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ चिनाम्बर बोट हाउस। यहाँ से मैंने ले ली है पैराडाइज बीच की फेरी के टिकट्स, क्योंकि फेरी के थ्रू ही हम जाएंगे पैराडाइज बीच पर। सो लेट्स गो। वाटर टैक्सी राइड्स मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि फेरी के अंदर बैठकर जो नेचुरल व्यू देखने को मिलता है वो बहुत ही शानदार लगता है। चिनाम्बर बोट हाउस से पैराडाइज बीच का लगभग 10 से 15 मिनट का रास्ता है। ये बैक वाटर है। फेरी के थ्रू ही हम पैराडाइज बीच तक पहुंच सकते हैं। सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन पानी की ठंडी ठंडी हवा के साथ बड़ी अच्छी भी लग रही है। सो पहुंच गए हैं हम बीच के किनारे पर, और ये है हमारा अति सुंदर भारत। पैराडाइज बीच के एंट्रेंस पर ये है रेन डांस एरिया। जितना मर्जी नाचो यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाइट सैंड विद ब्लू वाटर एंड ब्यूटीफुल हार्ट, ये है पैराडाइज बीच की खूबसूरती। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ सनसेट। बीच से निकलकर जा रहे हैं पांडिचेरी फेमस सरवना भवन रेस्टोरेंट। यहाँ का पनीर चीज़ मसाला डोसा एंड मशरूम डोसा ज़रूर ट्राई करें जब भी आप यहाँ आएँ। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी आर ऑन द वे ऑफ ऑरोविल। सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, सो जब भी आप बीच सिटी में जाएं अपने सनग्लासेस, सनस्क्रीन और फेस कवर ज़रूर कैरी करें। ऑरोविल पौंडी सिटी से 14 से 15 किलोमीटर आउटर साइड में है, और आज हमारा है लास्ट डे पौंडीचेरी में। सो लेट्स एंजॉय। पहुंच गए हैं हम ऑरोविल। ऑरोविल इज़ द सीक्रेट सिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल सोसाइटी। तो चलिए चलते हैं अंदर। ऑरोविल के एंट्रेंस पर ही है एक वीडियो रूम, जिसमें ये एक वीडियो के जरिए ये बताया जाता है कि एक्चुअल में ऑरोविल क्या है, क्यों हम इसे एक्सपेरिमेंटल सोसाइटी बोलते हैं।
ओरोविल जिसका मतलब है ह्यूमन इवोल्यूशन यानी कि एक नए जीवन की रचना, इसकी स्थापना की थी मीरा रिचर्ड ने। ओरोविल का उद्देश्य ह्यूमन यूनिटी को रियलाइज कराना है। वीडियो रूम से बाहर निकलकर ये है ओरोविल का विजिटर्स साइट एरिया। विजिटर्स साइट एरिया में है खूबसूरत हट्स, फूड कोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट। लंच टाइम हो गया है और मिल गया है हमें यहाँ एक प्योर वेज साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ हमने साउथ इंडियन स्पेशल थाली एंड मिनी मील्स ऑर्डर की हैं। साउथ इंडिया के ऑथेंटिक खाने का टेस्ट बहुत ही शानदार है। सो लेट्स ईट इट एंड एंजॉय इट। अब हम जाएंगे ओरोविल के मेन पॉइंट पे जिसका नाम है मैत्री मंदिर। मैत्री मंदिर ओरोविल के सेंटर में है। लगभग 1 किलोमीटर तक हमें यहाँ से चल के जाना होगा। पहुँच गए हैं हम मैत्री मंदिर। इसे दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे सोने का बहुत बड़ा मोती रखा हुआ है। मैत्री मंदिर जिसे सिंबल ऑफ द डिवाइन एंड सोल ऑफ द सिटी भी कहा जाता है। ड्यू टू कोविड मैत्री मंदिर के अंदर जाना अभी अलाउ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मैत्री मंदिर के अंदर की वाइब्स बहुत ही आनंदमयी और सुखदायक हैं। मैत्री मंदिर के अंदर मौन रखा जाता है। All over the world, people come here for meditation. So let's take a selfie. मैत्री मंदिर से बाहर निकलकर यहाँ है एक मिलियन ईयर्स पुराना बैनियन ट्री। इस बैनियन ट्री की खास बात ये है कि इसके एक स्टेम से जो ब्रांचेस निकली हैं और इसमें से जो सब ब्रांचेस निकली हैं वो ज़मीन में जाकर फिर से नई रूट्स बना करके न्यू स्टेम्स बना रहे हैं। ये देखो मैंने यहाँ गिने थे लगभग 40 सब ट्रीज़ हैं और ये है मेन स्टेम ऑफ द बैनियन ट्री। है ना मज़ेदार सीन। मैंने आज तक ऐसा ट्री पहले कभी नहीं देखा है। लगभग 50 मीटर की डिस्टेंस में फैला हुआ है ये ट्री। फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है और ये है हमारा अद्भुत भारत। आ गए हैं ओरोविल से निकलकर फिर से हम पौंडी सिटी के मेन एरिया जो कि है रॉक बीच। मस्टर्ड कलर कॉलोनीज, नीट एंड क्लीन बीचेस, कैफेज, चर्चेस एंड एंशियंट टेंपल्स पौंडीचेरी को बेहद ही खूबसूरत बनाते हैं। इंडियन कल्चर एंड फ्रांस कल्चर दोनों के एक साथ दर्शन होते हैं पौंडीचेरी में। सनसेट हो गया है और जाने से पहले मिल लेते हैं एक बार फिर से समुद्र की लहरों से।
सो ये है जगमगाती चमचमाती हुई पौंडीचेरी सिटी। जाएंगे फिर से होटल में, ट्रेन का टाइम हो गया है एंड सो लेट्स गो टू बेंगलोर अगेन। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। कैसा लगा आप सभी को मेरा ये पहला व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पौंडीचेरी में कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दीपिका महारानी चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।